कई दशकों से चला आ रहा उपमंडल भोरंज के तहत आने वाले लदरोड क्षेत्र का ऐतिहासिक सायर मेला अब अपना वजूद खोने लगा है। मेले में लगने वाली अस्थायी दुकानों की संख्या में बेशक इजाफा हुआ है, लेकिन मेले में पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। मेले में लगी दुकानों से सामान लेने में अब लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अस्थायी दुकानदार हजारों रुपए किराया देने के बाद सामान की कीमत में बढ़ोतरी कर इसकी वसूली कर रहे हैं। अस्थायी दुकानदारों की मजबूरी है कि उन्हें एक तरफ जहां स्थायी दुकान के आगे बैठने का हजारों रुपए किराया देना पड़ रहा है, तो वहीं हजारों रुपए का डाला हुआ सामान भी बेचना है। सबसे बड़ी चुनौती उन अस्थायी दुकानदारों के लिए है जो सिर्फ चीज और मेले में अस्थायी दुकान लगाकर रोजगार कमा रहे हैं। स्थायी दुकानदारों की मनमर्जी के आगे ये लोग भी विवश हैं और मजबूरी में फिर ग्राहक को दिए जाने वाले सामान में ही कीमत की बढ़ोतरी की जा रही है। व्यापार मंडल रद्रोर एवं बाजार सुधार सभा ने वजूद खो रहे ऐतिहासिक सायर मेले पर चिंता जाहिर की है। ऐसा है, मेले का जो पहले मेला होता था उससे अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। चेंज होने का सबसे बड़ा कारण मेले का ये है कि यहाँ पे लोगों से, जो भी व्यापारी बाहर से आते हैं, उनसे बेहद पैसे, मतलब नजायज पैसे लिए जाते हैं। और जैसे 40-40 हजार रुपया उनसे बाहर बैठने का सड़क का लिया जाता है। तो लोग फिर लोगों के मन में ये आ गया है कि ये जो लोग हैं ये फालतू रेट जो है अपने सामान के जो रेट है वो महंगे दामों में सामान बेचेंगे, तो इस मेले में क्या करना है, जाके कहीं और से सामान ले लेंगे। तो लोगों के मन में ये एक विचार बन गया हुआ है, अब कि यहाँ पे सामान महंगा मिलेगा तो हमें इस मेले में जाके क्या करना है। तो वैसे भी दुकानदार अब कम आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत कम हो चुके हैं दुकानदार। इससे मेले की परंपरा वो लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। इसमें प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मेले के लिए एक अलग स्थल बनाया जाए जहाँ पे टेंडर प्रक्रिया हो पूरी ढंग से, और वहाँ पे लोगों को दुकानें लॉट की जाएं एक जायज पैसे के साथ, तब बाहर के व्यापारी आएंगे, तभी ये मेला ये हो सकता है, नहीं तो ये मेला खत्म धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा। इसका कारण यही है कि लोगों, जो भी व्यापारी बाहर से आता है, जैसे कि PWD की जमीन में वो अपना दुकान लगा रहे हैं, तो वहाँ भी जो जिसकी दुकानें पीछे हैं वहाँ भी उनसे जो है 3 दिन गुना कराया दिया जा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी यहाँ पे कम आ रहे हैं। व्यापारी कम आ रहे हैं तो वो सामान जो उनका वो महंगे रेट पर बिकेगा, बिकने के बाद जो है फिर यहाँ से ग्राहक नहीं जा रहा मेले में, आदमी नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से जो है दिन ब दिन जो है मेला जो है लुप्त होता जा रहा है। तो ऐसा है ना, जो अगर कहीं अलग ही स्थान निर्धारित कर, मेले का स्थान निर्धारित कर दिया जाए, और वहाँ पे जैसे कि हमारे वरिष्ठ प्रधान जी ने बोला कि टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए तो वो की जाए, तो वहाँ पे जो है इनको हिसाब से जो मतलब जो कम से कम रेंट के ऊपर इनको जो है स्टॉल दिए जाए, जिससे कि बाहर के दुकानदार यहाँ पर आए और मेला जो है आगे के लिए ज़्यादा बढ़े। धन्यवाद। वहीं व्यापार मंडल एवं बाजार सुधार सभा लदरोर के पूर्व प्रधान सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि पहले मेला लोगों से भरा हुआ रहता था, इस बार मेला नाम मात्र का ही है। इसका मुख्य कारण स्थायी दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे अस्थायी दुकान का हजारों रुपए किराया वसूलना है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में ये मेला लगना ही समाप्त हो जाएगा। पंजाब के सी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।